अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है सबका, बहन भाइयों का और सब बड़े बुज़ुर्गों का। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे ना इंस्टा पे किसी ने पूछा कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपके वालिद और अनोखी की ना मिलके गेम हुई हुई है, उन्होंने मिलके खेल के आपके वालिद को जिताया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जो वालिद हैं जहरा पहलवान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी है, अपनी मेहनत से जीते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही है, मरे लोग वापस नहीं आ सकते हैं, वो अपना आप बता नहीं सकते हैं कि हम लोग अपनी मेहनत से जीते हैं, ठीक है। और रही बात भाइयों की जो बातें करते हैं, मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि प्लीज़ ये बातें मत करें कि आपके अपना ही मुल्क का हीरो क्या इस तरह करेगा। उन्होंने जो अपने मुल्क का नाम रोशन किया, इमाम बख्श ने, गामा पहलवान ने, अकी आज़म, भोलू, गोगा, असलम, लोग बड़े आराम से बातें कर देते हैं कि भाई जहरे पहलवान ने और इन लोगों ने मिलके गेम खेली है और वो इस वजह से जीत गए हैं। बुरा लगा था मुझे क्योंकि मेरे वालिद के बारे में बात की थी, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो बनाती हूँ इस चीज़ पर कि अल्लाह ने उनको बहुत कोई गॉड गिफ्टेड है थे मेरे अबू, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, उस वजह से उन्होंने कुश्ती जीती। शुक्र अल्लाह की ज़ात का उन्होंने कोई कुश्ती नहीं हारी, ना उनका ये हुआ कि वो किसी कुश्ती में उन्होंने अपनी हार मानी हो। अनोखी वर्सेस जहरा पहलवान कुश्ती आप देख लें, मेरे अबू ही जीते थे, कोई और नहीं जीता। और कोई सवाल मुझसे पूछें मैं आपको जवाब दूंगी। हमारे ख़ानदान का नाम चल रहा है अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम बख्श, गामा, गोगा, असलम और गामा पहलवान, सबका नाम है, मेरे वालिद का नाम अभी तक चल रहा है। तो ये गलत बातें हैं ना कि आप अपने ही हीरो को कहें कि वो जी आपका आपके वालिद हैं, उनके बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं कि अनोखी और ये मिल के खेली हुई हैं। मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना ना देखा है कि मेरे वालिद ने जी मिलके खेला है या मिलके मेरे वालिद ने ये सब वीडियो में है जहरा पहलवान वर्सेस अनोखी की, कि उसने ख़ुद हाथ खड़ा किया कि ये जीत गया जहरा पहलवान, मैंने हार मान ली है, खुद मानी थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अबू एक अच्छे रेसलर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और बहुत ज़्यादा जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम अता करे, आमीन सुम आमीन। और मैं आई हुई हूँ पार्क में, यहाँ है पार्क, फिर मैं पार्क में आई थी और बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ पार्क। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह। ਸ਼ਿਗੰਗਲਾ ਆਪਸੀ ਜਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫਟਿਆ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ये है यहाँ का पार्क, मे बी स्ट्रीट पार्क कह लें, बहुत खूबसूरत पार्क है ये भी, बच्चों का एक्सरसाइज पार्क, मोसा। तो देखा तो बस पांच लड़के चार घंटे खड़े रहे क्यों मदद के लिए,
हाँ, हाँ, हमारी मदद करें। वो भाई हैं पांचों पांचों भाई, उसके बाद पानी उनको पानी में पाकिस्तान में बहुत जरूरत है। ये पार्क मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था और अब भी दिखा रही हूँ। ये पाकिस्तान का नहीं है, और बने यानी मूसा या ये यहाँ का पार्क है गेंजलिक पार्क। यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं, फैमिलीज आती हैं, मतलब फैमिलीज बच्चों के साथ। ये इधर की पार्क में एक्सरसाइज का भी है, बॉयज़ का भी है, गर्ल्स का भी है। ये यहाँ का है प्ले एरिया गार्डन का, झूले लगे हैं, कश्ती और साइकिलिंग भी होती है। मैंने एक मैसेज देना था अपने वालिद के नाम, थोड़ी सी वीडियो में मैसेज दे दिया कि मेरे वालिद एक हीरो हैं, इज़्ज़त अल्लाह ने दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, धोखेबाज नहीं है कि मिलके खेला जाए या कुछ करे। और काफ़ी लोग कह रहे हैं आप लोगों के दुपट्टे गायब हो गए, आप लोगों के पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं। और ज़्यादा बेहतर ये है कि अल्लाह बेहतर जानते नीयतों के हाल, और जो जो भी कह रहे हैं अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, खुश रखे, अल्लाह पाक उनको बहुत खुशियाँ दें, आमीन। हम यहाँ पे ना वॉक भी कर सकते हैं और अपना क्या कहते हैं एक्सरसाइज भी, पार्क भी है बच्चों का, झूले भी लगे हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। और वॉक करने आए हैं, वॉक करेंगे, अपने अबू के बारे में बताया है। और प्लीज़ लोग जो जो बातें कर रहे हैं मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती, वो हमें दुआ दे सकते हैं बस, और बहुत शुक्रिया सबका। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी वालिद के लिए भी, और उधर का गेंजलिक पार्क भी दिखा दिया आप लोगों को आज। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, अल्लाह पाक पाकिस्तान को, उनके लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए, आमीन। और सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुशियाँ दे, सलामती वाली ज़िंदगी दे, पाकिस्तान के हालात बदलें, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हम सबको खुशियाँ दे। ओके फिर मैं अगली वीडियो में मिलूँगी, और जिसने जो भी पूछना हो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।